हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, सुशांत का पैकिंग। एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज हम लोग के अंदर इतने इमोशंस यहाँ से वहाँ हो जाते हैं ना, उसका पैकिंग देखना, जाने की तैयारी देखना, धीरे धीरे घड़ी के पास ध्यान जाता है कि अभी टाइम जैसे जैसे जाएगा उसका टाइम आते जाएगा जाने के लिए। अपन कितनी वजह निकल रहे हो तो? रात को ना 9 बजे खाना खा के ही जाएगा वो। तो फिश लेकर आए हम लोग, आज फिश बनाएंगे, उसका फेवरेट बोम्बिल फ्राई। तो मम्मा क्लीनिंग कर रही है और सानू ये देखिए हेल्प कर रही है या डबल काम कर रही है उसको ही पता, और काका को ही पता। देख वो देख रही, और ये दोनों सूटकेस जो सुशांत नया लेकर आया था आज, उसमें पैकिंग किया है, और जो दो पहले का उसका सूटकेस है ना वो रख दिया है, और हम लोग का पहले का एक सूटकेस हम लोग ने आउट कर दिया जो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो ऐसे हम लोग को साइकिल हमेशा करते हैं, जब नया आता है तो जूना निकाल देते हैं क्योंकि उतना स्पेस नहीं है। एंड कैसे वट्टे बंटू, व्हाट आर योर इमोशंस? मिक्स फीलिंग्स है ना, इस बार का थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है ना, बट कोई टेंशन नहीं, अभी वो जा रहा है उसका तो हम लोग को हो रहा है, बट ऐसा है ना कि हाँ अभी बस 5 महीने फट से निकल जाएंगे और आने के बाद होने वाली है शादी, हॉल की तैयारी, शादी की तैयारी है ना, फुल एक्साइटेड। सब लोग पूछ रहे शादी कभी है, शादी का डेट कभी है, काय बोलायचं आपल्याला? सोन यू विल गेट टू नो, टू बी कन्फर्म। हा अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है ना, जरा तू पण काहीतरी बोलते ना, ऐकू दे तुझा आवाज। 5 महिना कैसा गया? गुड है, ये अच्छा था, ये हॉलिडे अच्छा था एक्चुअली, बिकॉज़ ऑफ यू नो दीप्ति। ऑब्वियसली सबको पता ही है दीप्ति की वजह से, जब आया आने के बाद फटाफट लड़कियां देखना स्टार्ट किया हम लोग ने, उसमें से दीप्ति फाइनल हो गई, दीप्ति को भी सुशांत पसंद आया, एंगेजमेंट हो गया, दीप्ति आ गई लाइफ में, तो ऑब्वियसली है ना ये वाला ट्रिप ज़्यादा स्पेशल रहा ना। और अभी तुझे ऐसा हो रहा होगा ना, कब ये 5 महीने जल्दी जाए, मैं आ जाऊँ फटाफट, चले जाएंगे जल्दी जल्दी। वो तो जाएंगे, जाते ही देख 1 हफ्ते के बाद कैसा फटाफट 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकल जाता है, फिर आने का भी टाइम हो जाता है। सो येस, एवरीबडी विल मिस यू, सब वही बोल रहे हैं, हम लोग सुशांत को बहुत मिस करेंगे, बट आप लोग टेंशन मत लो, मैं बीच बीच में वीडियो कॉल दिखाते जाऊंगी, थोड़ा वहाँ का फुटेज जैसा पॉसिबल होगा वैसे, बिकॉज आई नो आप लोग सुशांत के साथ बहुत अटैच्ड हो चुके हो, सो येस जितना पॉसिबल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम सुपर 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 बिजी, मतलब मैं सब साथ में चल रहा है, यहाँ पे मम्मी ने देखिए फिश क्लीन कर दिया है, अभी इसको फटाफट वॉश कर लूँगी, फिर उसको मसाला मैरिनेट कर दूँगी, यहाँ पे मैंने रस्सा के लिए मसाला भी पीस के रख दिया फिश कड़ी के लिए। क्या बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ ना, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा बिकॉज आज जगह पे नहीं है, खाना बनाने का भी एक्साइटमेंट है कि आज वो जा रहा है तो लास्ट फाइनल अच्छे से लंच हो जाए, शाम को आई थिंक सो दीप्ति इज गोनू कम ना सुशांत, हाँ आने वाले, अभी कितने बजे आएगी क्या आएगी पता नहीं, तो इवन आई थिंक शी इज गोनू कम फॉर डिनर। और सुशांत का पैकिंग चल रहा है, पैकिंग के बीच बीच में उसको ये चाहिए वो चाहिए वो भी चल रहा है, घर में इतना कुछ चल रहा है, एवरीबडी इज़ कॉलिंग, मोस्टली तो मेरे फ़ोन नंबर पे ही फ़ोन आ रहा है कि हाँ सुशांत आज जाने वाला है, तो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो उनसे सबसे बात करते 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 इतना टाइम निकल गया, 12:15 हो चुका और मेरा अभी तक कुछ खाने का आता पता नहीं है, इसके लिए मैंने बोला मैं क्विकली ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ और उसके बाद एक बार लग जाऊँ तो एक साथ ही पूरा वाइंड अप कर लूँ। और आप सबको थैंक यू, आपने आपको इतना पसंद आया कि हम लोग का जो फैमिली बॉन्ड है, प्लस इतना सब जो मैंने सुशांत के लिए प्यार से बनाया, आप लोगों को इतना अच्छा लगा कि तुम लोग का फैमिली का बॉन्ड कितना अच्छा है, उसके लिए तो इतना कुछ कर रही है, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, हम सब एक दूसरे के लिए करते हैं, हमारा जो बॉन्ड जो फीलिंग है वो बहुत नेचुरल बहुत प्योर है, मेरे लिए वो मेरा सिर्फ देवर नहीं है, मेरे छोटे भाई जैसा है, तो मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, और वो भी मुझे एकदम भाभी जैसा, या बोलते हैं ना एक सिस्टर होती तो उसको कैसे ट्रीट करते, जहाँ गलत जाते वहाँ मुझे डांटता भी है, जहाँ अच्छा करते वहाँ मुझे अप्रिशिएट भी करता है, तो हम लोग का रिलेशन बहुत अलग है, बहुत नेचुरल बहुत प्योर है, निशु मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आई एम गॉट अ सच अ लवली केयरिंग एंड सपोर्टिंग हस्बैंड, तो निशु के लिए तो मेरे पास बोलते ना वर्ड्स ही नहीं कि मैं उनको कैसे थैंक यू बोलूँ, इतना वो मुझे सपोर्ट करते, इसके लिए हम लोग का जो घर में जो फैमिली बॉन्ड है ना इतना स्ट्रांग है, मम्मी इतनी अच्छी है, डैडी इतने सपोर्टिव है, तो इसके लिए मिलजुल के हम लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, यही हम लोग का प्यार है, और आप लोग सब यही बोल रहे थे ऐसे ही तुम लोग का प्यार बॉन्ड हमेशा बना रहे, तो येस मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, एंड आई एम श्योर दीप्ति जब ज्वाइन हो जाएगी तो हम लोग के फैमिली में और एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा,
मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनका शादी लेके, शादी के बाद जो सब आगे का जर्नी स्टार्ट होता है ना, वो सब फेस करने के लिए प्लस आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, तो आई एम तो सुपर एक्साइटेड, जस्ट वेटिंग कि कब इनकी शादी हो जाए और हम लोगों को एक नया जर्नी ऑफ लाइफ वापस स्टार्ट हो जाएगा। आई एम रियली थरली एंजॉइंग दिस फेज। उसका एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट के बाद का फेज अब जाएगा फटाफट, 5 महीने निकल जाएंगे, जल्दी से आ जाएगा और शादी की तैयारी स्टार्ट करने, मतलब मेरे अंदर तो इतने बोलते ना पेट में मेरे ऐसे बटरफ्लाइज ये हो रहे ना कि कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग क्या क्या करने वाले, कैसे करने वाले, तो आई एम तो रियली सुपर वेरी एक्साइटेड। उसमें मेरा ज्वेलरी का जो मैंने स्टार्ट किया उसमें मुझे सुशांत ने कितना सपोर्ट किया, पूरा टेक्निकल सपोर्ट मीशो और सुशांत ने ही मिलके किया। मैं तो उसमें बताते जाती थी मुझे ये चाहिए, पूरा उस पर सर्च रिसर्च करके वो लोग ही मुझे तैयार करके देते थे, फिर हम लोग फाइनल करते थे। और भी कुछ है सरप्राइज आप लोग के लिए मेरे इमिटेशन ज्वेलरी को लेकर, वो मैं बाद में कभी बताऊँगी, अभी मैं बस इतना ही बात करती हूँ, लेट मी स्टार्ट माई कुकिंग पार्ट। आज का हम लोग का डे इतना रोलर कोस्टर राइड जैसा हो रहा है ना, सुबह से क्या क्या हो रहा है हम लोग के साथ, मतलब कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, सुशांत इज लीविंग, उससे बात करने के लिए सबका बैक टू बैक फ़ोन आ रहा है सारे रिलेटिव्स का, एंड प्लस अभी निशु सुशांत और सानू ये लोग तीनों नीचे गए, सुशांत का थोड़ा बाकी कुछ जो बचा है ना वो लाने के लिए, वैसे तो उसने पूरा पैकिंग कर लिया, कुछ भी नहीं है, एक हर चीज़ कुछ रह गया तो दे हैव गॉन डाउन टू डू दैट। और अभी जस्ट डोरबेल बजा, मतलब मैं तो जैसे मेरा दोपहर का काम हो जाता है उसके बाद आई गो टू रेस्ट, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ही कर रही थी, बस कितना 15-20 मिनट हुआ इनको नीचे गए हुए और डोरबेल बजा, तो मुझे लगा कि जो हम लोग की यूटेंसिल्स वाली ताई है ना जयश्री ताई वो आ गई, तो मैं बस ऐसे ही गई दरवाज़ा रैंडमली खोलने के लिए, यही सोचे कि अभी खोलूँगी तो मुझे ताई दिखने वाली है, बट इट वॉज सच अ बिग सरप्राइज़, मतलब सरप्राइज़ क्या होता है, और जब ऐसा अनएक्सपेक्टेड पर्सन अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आपके सामने आ जाते तो आपका कैसे रिएक्शन होता है ना, आज मैंने वो फील किया। कौन आया है, किसके बारे में बात करी, चले मैं आप लोगों को पहले मिला ही लेती हूँ, आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा, फिर भी मैं लेके जाके आप लोगों को मिलाती हूँ। अब दीप्ति इन द हाउस, ये रही दीप्ति, और दीप्ति का टाइमिंग ये नहीं था, आने वाली थी 6:30 बजे के आसपास, 5 बजे छूट के, क्योंकि उसने थोड़ा जल्दी बोला था कि मुझे जल्दी जाना है, तो इसलिए सुशांत को कुछ पता ही नहीं था दैट दीप्ति इज़ गोइंग टू कम एट दिस टाइम, इसलिए वो चला गया रैंडमली, खाना वाना हो गया, सब हो गया पैकिंग, तो मैं जाके मेरा सामान लेके आता हूँ, तब तक दीप्ति भी आ जाएगी 6:30 तक, तो वो तो भाई साहब अपने अपने काम से ही चला गया, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि दीप्ति घर पर आ चुकी है। आनी लौकर कैसे आ रही तू? आज मैंने हाफ डे लिया, उसको एक्चुअली फुल डे का छुट्टी चाहिए था, लेकिन अभी उसने जस्ट रिसेंटली जॉब शिफ्ट, 1 महीना चला है, 1 महीना ही हो गया उसने जॉब शिफ्ट किया, तो पता है ना आपको नया जॉब रहता है तो फिर इतना जल्दी छुट्टी हाफ डे कहीं पे भी नहीं मिलता है, तो उसको छुट्टी नहीं मिला, तो सुशांत थोड़ा सा अपसेट था, अरे मैं आज जा रहा हूँ तो पूरा दिन छुट्टी मिलता तो अच्छा होता, बट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जॉब कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसने कुछ बोला नहीं, तो देवर ट्राइंग कि हाफ डे एटलीस्ट मिल जाए, तो आना तो दीप्ति को हाफ डे भी नहीं मिल रहा था, बट लकीली कन्विंस हो गए वहाँ के लोग और दीप्ति को हाफ डे दे दिया एंड शी केम अर्ली। मुझे भी इतना खुशी हो रहा है कि अभी थोड़ा जल्दी आई है ना, तभी सुशांत को थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, उसको भी थोड़ा अच्छा फील होगा कि येस शी इज़ इन द हाउस। अभी भी ये देखिए सुबह से ये पैकिंग पूरा ऐसे ही है, ओपन ही रखा है उसने, उसको जो जो याद आ रहा है ना वो अपना यहाँ वहाँ से कभी किड्स रूम में चला जाता है, कभी मम्मी के रूम में जाके पाउचेस क्या क्या कर रहा है, क्योंकि ये सब देखिए उसको ऐसे ना प्रॉपर पैक करके लेके जाना पड़ता है सारे उसके जो भी मेडिसिन या कुछ भी बॉडी लोशन हेयर ऑयल होता है, ताकि वो गलती से भी खुल जाए या लीक हो जाए तो उसके बाकी के सामान को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसको पैकिंग करते वक्त ना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और सुबह से वो स्टार्ट हो गया, दोनों सूटकेस देखिए फुल हो गया है, 5 महीने का जर्नी है, अकेला इंसान है फिर भी उसको कितना सामान लगता है, ऑब्वियसली क्योंकि बार बार ट्रैवल तो कर नहीं सकते, तो लगा सा अच्छा नहीं लग रहा
ऑब्वियसली उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, दोनों का मुंह इतना सा हो गया। ऑब्वियसली हम लोग को तो फील होता ही है जब भी वो जाता है, तो एक हफ्ता भर होता है फिर हम लोग सेटल हो जाते हैं। दीप्ति के लिए ये फेज बहुत नया है, तो ऑब्वियसली उससे तो एक्सपेक्टेड है कि उसको टाइम लगेगा, बट शी इज़ ऑल्सो मैच्योर्ड इनफ, उसको भी पता है कि अभी इसको एक्सेप्ट करना ही है, ऐसा ही आगे का जर्नी होने वाला है। तो येस, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रांग इनफ टू टेक हैंडल दिस। और अभी तो वीडियो कॉल होगा, व्हाट्सएप पे बातें होती है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, सिर्फ ये है कि सामने सामने नहीं मिल पाएंगे, बट व्हाट्सएप पे तो आई एम श्योर सुशांत कनेक्टेड ही रहेगा जहाँ पे भी वो रहेगा। एक हफ्ता उसका क्वारंटाइन है, उसके बाद ही फ्लाई। तो येस, उसका पैकिंग चालू है, अभी आएगा ना तो मैंने दीप्ति को बोला अभी डोर बेल बजेगा ना तो या तो हम लोग की जयश्री ताई आ जाएगी या तो सुशांत होगा, लेकिन जितने बार भी दोनों बार बेल बजेगा तो तू ही चली जाना उसको सरप्राइज देने के लिए। एंड आई एम श्योर वो इतना शौक हो जाएगा ना इसको देख के कि 6:30 बजे आने वाली थी और इतना जल्दी कैसे आ गई। तो अभी दीप में उसको वही पूछे कुछ खाने को, तो बोलते नहीं मैं खाना खाकर आई हूँ। तो मैं उसको बोला अभी तो थोड़ा बैठ आराम कर, तब तक मैं मेरा बाकी का जो भी काम हो, क्योंकि अभी मुझे नींद आ ही नहीं रहा है, उसको देख लेना मेरी नींद उड़ गई है, तो अभी मैं वापस जाके सोऊंगी भी नहीं, बस अभी देखते उसके साथ ही बैठ के बातें करती हूँ। तब तक तो आई एम श्योर सुशांत अभी 10-15 मिनट में आ ही जाएगा, है ना। डोर बेल बज गया, हम लोग को पता नहीं अभी कौन है, लेट्स सी। अरे तानू आ गई। अरे मला वाटलं सानू आली म्हणून मी व्लॉग बनवायला घेतला, क्या आहे मेरा ही फोटो आहे। पहिला मेको लगा जयश्री ताई आ गई, अभी मेको लगा सानू आ गई, काय आहे। सरप्राइज। अब मेरे को कुछ नहीं पता था, मैं पहले ही बोल रही हूँ। अरे अमल चेहरा तो दिसू दे, चेहरा नहीं दिसू दे, कसा वाटला सरप्राइज। आम्ही पण बंडीचं बघत बसली, खाली उतरलेली, रिक्षेतलं उतरली, फोन नाही करते, फोन नाही करते की फोन नाही उठा रही। कसा वाटला सरप्राइज? अरे अमोल भी आए, सानू को बोल रही हूँ, सुशांत को भाई बोलने के लिए, दोपहर को ही आ गए 4 बजे के आसपास, और लास्ट डिनर घर पे, फिर 5 महीने का ब्रेक है ना, 8:30 बजे निकलना है, और 8:00 बज के जा चुका है, घायल हो रही है अभी एकदम, घायल घड़ी की तरफ भी बार बार वो देख रहा है। जियो दीप्ति सावकाश, जियो नानू। तू भी जा रही है? कौन आ रही है? कहाँ चला तुम्हारा चाचू? चला चला आम्ही कुठे चला चला चला। मम्मी का अभी से ही चालू हो गया है, इमोशनल हो गई है मम्मा। नानू यू आर ऑल्सो गोइंग? गो ना, पैकिंग नहीं किया है। वी हैव अ प्राइज फॉर सुशांत। एक्चुअली मेरे को ना एकदम सुबह सुबह याद आया जब हम लोग फिश लाने गए थे, मुझे एक्चुअली मंगाना था फोटो फ्रेम, लेकिन वो मेरे को जाने ही टाइम नहीं मिला फ्रेम देखने में, तो फिर हम लोग ने छोटा ये सोचा, ये छोटा सा ना पिलो है, इसको थोड़ा भी वैक्यूम करके दे देंगे, इसमें दीप्ति का और सुशांत का 2 फोटो डाले हैं, तो ये उसके लिए सरप्राइज है छोटा सा हम लोग की तरफ से, क्योंकि सुशांत को ना रात को सोते वक्त वो छोटा वाला जो हम लोग का पिलो है ना वो लेके आए, तो सोने की उसको आदत है, तो ये उसकी आंखों के सामने ही रहेगा, तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा जब भी देखेगा ही हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस, क्योंकि ये फोटो अभी उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे ही उसको ज़्यादा बोलते ना स्ट्रेंथ हम लोग का है ही उसके साथ, हम लोग के साथ साथ अभी दीप्ति भी है, तो उसको देखते रहेगा तो उसको स्ट्रेंथ मिलते रहेगा, जल्दी जल्दी टाइम फ्लाई हो जाएगा, इसके लिए हम लोग ने सोचा ये उसको देते हैं, जब आएगा तो वापस लेके ही आ जाएगा, तो चलिए देते हैं उसको सरप्राइज। काळजी घ्या, फोन करत जा रोज, इकडे पण ना तिकडे पण, दो दो घर हो गया उसका, इमोशनल हो गई है मम्मा एकदम। डैडी इज ऑल्सो सेट, नीचे सी ऑफ करने के लिए हम लोग सब सेट है, खुशी दुख गम सब ऐसा बोलते ना अभी ये हो रहा है, मैं मम्मी को भी बोला प्लीज रोना नहीं, मम्मी को देख के तो मेरे को कंट्रोल नहीं होएगा, इधर मम्मी बोला मुझे रोना नहीं है, उसको इमोशनल करके नहीं भेजना है, सो डोंट क्राई। अब वो बोलते ना माँ का दिल है थोड़ा तो हो ही जाता है, इसलिए मैं कब से ना कंट्रोल करी कि रोना नहीं है रोना नहीं है, सो लेट सी सीओ होने से कितना हो सकता है, बट वी आर सुपर सेट सुपर एक्साइटेड, एंड या बसा सरप्राइज है त्याच्यासाठी आहे, बट आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू सी, क्लोज युअर आईज, आता क्लोज करायचं, हां हां
काका साठी सरप्राइज आहे. त्याच्या काकीने पण क्लोज करायचं. त्याच्या काकी यू ऑल्सो क्लोज. कम दोन्ही हात दे काका. उलट ठेवले ना तू. ओपन नको करू काका. हा नाव यू ओपन. तेरे में स्ट्रेंथ देख के ऐसे तेरे चेहरे पे स्माइल आता रहे जब भी तू इसे देखे. और फटाफट जरा 5 महीने चला जाए और तुम दोनों का शादी हो जाए जल्दी. स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. और कुछ हो नहीं पाया तो हम लोग ने बोला आज सुबह ही आया. मैं डैडी को इतना याद किया ना. बता क्या डैडी का डायलॉग. आयत्या टाइमवर तुम्हाला वीर शोधायला जाता ताण लागल्यावर. मुझे सुबह मच्छी लागेगी ना तब स्ट्राइक होगा मैं क्या दू. तो मुझे यही बेस्ट लगा. तो मैंने निश्चित यही डिसाइड किया. ताण लागला वीर शोधता उसको दादा बोल रहे वैक्यूम करके लेके जाने के लिए. जाएगा क्या. पण ते होईल काही एवढं काही फ्लॅट नाही होणार आहे. 5 महिने मजा केली. एकमेकांना टेक केअर. नानू तू जाते. See you very soon. अभी आते हैं शादी चालू हो जाएगा. इसके लिए खुशी हो रही है कि हाँ जल्दी जाएगा जल्दी आ जाएगा ना. टेक केयर. आप अपना ख्याल रखिएगा. यस बाय. 1 2 बैक साइड है 3. हाँ तीन है. आप 4 कुशन जी एक है. 4 और हिचा कड़े एक है. 5 लक्ष्य के काउंटिंग चला नीट जा. बाय बंटू. ठीक है तू तेरे पीछे पीछे. बाय. हाँ एकदम इतना भी आप सोचो ना कि आप नहीं रोगे. यू विल स्टे स्ट्रांग यू विल फील स्ट्रांग. बट नहीं हो पाता है. जब वो जाने का टाइम आता है ना तो इमोशंस आ ही जाते हैं बाहर कितना भी आप कंट्रोल करो. तो मैंने भी सोचा था मैं नहीं रहूँगी बिकॉज बस 5 महीने की बात है जाएगा और आने के बाद तो फिर हम लोग शादी की तैयारी स्टार्ट करेंगे. बट वो जब फाइनल लास्ट आप सी ऑफ करते हो ना बाय बोलते हो तो वो मम्मी को रोते हुए देखा ना तो मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हुआ. इसलिए मैंने फिर भी कंट्रोल किया मैं ज़्यादा नहीं रहूँ उसके सामने ताकि उसको वीक ना करें हम लोग. अभी वो दीप्ति को ड्रॉप करेगा उसके घर के पास और फिर वहाँ से आगे वो जाएगा अपने होटल में. 1 वीक का उसका क्वारंटाइन है और उसके बाद जैसे फ़्लाइट का टिकट मिलेगा मतलब शिप अवेलेबल होगा उस हिसाब से उसका फ़्लाइट का टिकट आ जाएगा. तो अभी निशु और सानू जा रहे हैं अमोल को स्टेशन छोड़ने. अमोल भी जा रहे हैं. ये रहे अमोल. अमोल बाय बोला. बाय. टेक केयर. गो सेफली. पहुँचले और मैसेज करा. तो येस दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. मैं इसके आगे व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी बिकॉज सारे इमोशन्स अभी ऐसे हो रहे हैं. तो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ. तब तक आप अपना ख्याल रखें. येस वी ऑल आर गोइंग टू मिस सुशांत अ लॉट बट वेरी सून ही विल कम बैक व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल के थ्रू. तो ही विल बी कनेक्टेड टू अस. तो आप लोग भी ज़्यादा ये नहीं कीजिए. डोंट गेट इमोशनल लाइक हाउ वी गॉट. वो जल्दी चला जाएगा जल्दी आ जाएगा टाइम. उसके बाद हम लोग को पूरा शादी अच्छे से एन्जॉय करना है. तो येस बाय गाइज. टेक केयर. गुड नाइट एंड सी यू.